600 याद है एग्जांपल में बता रहा था अभी 5600 लेना है तो उसको बोल रहे हैं भैया घर से 5600 लेके आ तो लाना कैपिटल तो कैपिटल लाने की क्या एंट्री करते बैंक टू कैपिटल तो बाय बैंक आपको मैंने क्या बोला जो भी डिफरेंस आ रहा है क्या डाल देने का टू बैंक क्या बाय टू बैंक का बैंक में बाय ए कैपिटल तो बाय बैंक का बैंक में क्या है टू बी कैपिटल तो अब हुआ क्या ए ने पैसा लाया सॉरी बी ने पैसा लाया और ए का एक्स्ट्रा पैसा उसको दे दिया अब इनका कैपिटल ये बन गया और सी को तो कुछ लेना देना है ही नहीं सी का तो एटी है पहले ही लाया पड़ा अब इनके कैपिटल क्या बन गए 24, 16, 8 इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट तो किसी का एक्स्ट्रा फायदा नहीं किसी का एक्स्ट्रा नुकसान और ये कैपिटल जाएंगे आपके बैलेंस शीट ए कैप बी कैप सी कैप 24, 16 and 8 इन टोटल इज 48 ओके चेक अबाउट द अदर एसेट्स लायबिलिटी कैश बैंक बैंक बैलेंस कर लो यहाँ पे 26,000 डिफरेंस इज 26,000 टोटल 29,600 ओके डेटर्स कितना है 8,000 नो चेंज क्रेडिटर 14,000 नो चेंज टैली 63,000 क्रेडिटर 14 63 बाकी सब पार्ट रिमेन्स सेम वंस अगेन प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए मुझे बताओ पहला कौन सा रेशियो चाहिए आपको न्यू रेशियो वो कैसे ढूंढना आता है आपको फिर न्यू रेशियो में किसको बेस लेने का सी को दोनों का कैपिटल ढूंढने का बोल मेरे को दोनों का कैपिटल ढूंढने का फिर क्या करने का ये तीनों किधर लिख देने का बैलेंस ये तीनों लिख देने का बैलेंस फिर कर देगा क्रेडिट माइनस डेबिट डेबिट माइनस और जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा टू बैंक बैलेंस उसको बैंक में डालो बैलेंस होमवर्क के लिए पेज 137 सब नंबर 2 पेज 137 सब नंबर 2 उसमें पेज 137 सब नंबर 2 उसमें ना जर्नल एंट्रीज मारा है आपको जर्नल एंट्रीज नहीं मारना है आपको लेजर अकाउंट ही बनाना जो हमने सॉल्व किया समझा हमने जो सॉल्व किया वही करना है पेज 137 सब नंबर 2 ओके कल करके लाना है विदाउट फेल अभी बुक दिखाओ और जाओ ठीक है।